भट्ट साहब, कितनी कहानियाँ, कितने लोगों को इश्क करने की तमीज सिखा दी आपने है? मुझे वाकया चाहिए, कितनी मोहब्बतों ने महेश भट्ट को बनाया है, संवारा है, समझ दी है। एक वो शिया मुसलमान औरत जिसने मुझे गणेश जी की कहानी सुनाई, शिव जी की कहानी सुनाई, मगर वही गणेश जी जो आपके तकिए के नीचे रखे हाँ, रहते थे। और मगर जब वो गई तो तन्हा अकेला शिरीन मोहम्मद अली के नाम से गई है, जिसको मैंने दफनाया, क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार तो करता था मगर समाज में उसने उसको स्थान दिया नहीं बीवी का। जिसने कहा मुझे कि बेटा, जब मैं बीमार थी तो मैं बड़ा फिक्र करता था कि मर जाएगी क्या, ये मुझे कामयाब नहीं देखेगी। तो उसने बुलाया मुझे, नज़दीक हॉस्पिटल में था, उसके नज़दीक बोला, इधर आ, क्या डर लग रहा तेरे को? बोला हाँ, क्यों? मतलब मर जाएगी तो क्या तू? इसे छोड़, मेरे घुटने छिल गए हैं नमाज पढ़ते पढ़ते, मेरा खुदा मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, अब तो मुझे तुझे कामयाब देखना है, जब तक तू कामयाब होता नहीं ना तो मैं मरने वाली नहीं। और वो मरी नहीं। उसको मैंने इतना सुकून दिया, इतनी खुशी दी कि जब अर्थ बनी तो उसने कहा, बेटा जीता रहे, तूने मेरा बुढ़ापा सफल कर दिया, ना मिले मुझे स्थान उसकी बीवी का, मगर मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता कि तू मेरा बेटा है, मैं महेश भट्ट की माँ हूँ। वो मेरी डिफाइनिंग लव स्टोरी है, उसके बगैर महेश भट्ट कुछ है नहीं। आप ये सब बता रहे थे तो मुझे वो भी आपका कहा याद आ गया कि गणेश के साथ इसलिए भी तादाद में क्योंकि वो भी अपने बाप से अनजान था। हाँ, कि मुझे याद है कि मुझे गणेश जी से बड़ा प्रेम था, मुझे शंकर मेरा नाम था, महेश महाईश। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये मेरा नाम का मतलब क्या? बोला अपने बाप से पूछना, बोला कभी जब भी कभी कभी कभार आता था वो, तो उन्होंने पूछा कि पूछता तुम्हारा बेटा के नाम महेश का मतलब क्या? कहा महाईश, देवों का देव महाईश। मगर जब कहानी सुनी थी हमने शिव जी की, तो उन्होंने कहा था कि पार्वती नहाने गई तो गणेश को बिठा के गई, तो ये आया तो उसने कहा मुझे जाना था, बोला नहीं तू नहीं जा सकता, तो उसने उसका सर काट दिया। तो कुछ हमारा एहसास अपने बाप को लेके ऐसा था, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन गणेश जी के साथ भी, तो हमने कहा माँ मेरा नाम गणेश कर दो ना, तो बोला महेश हो गया बेटा तेरा नाम गणेश।